बच्चों, तो आज हम सीखेंगे एक लीफ इमेज बनाना। जैसा कि आप थंबनेल में जैसा कि आपको बना करके हमेशा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम आपको बनाएंगे जो थंबनेल हम देंगे। देखिए, सबसे पहले अगर लीफ इफेक्ट बनाना हो बहुत ही आसान तरीकों से बताएंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले कि आपको यहाँ से एक ले लेते हैं इस प्रकार से, जो लोगो है यहाँ पे जो एलिप्स टूल है इसको सेलेक्ट करके इस प्रकार से इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास आउटलाइन नहीं है तो हम राइट क्लिक करके ले लेते हैं, आपके पास होगा तो ठीक है। इसके बाद हम इसको कर्व करते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, ये हमारा कर्व हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद सेव टूल की मदद से हम इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कैप्स मोड, ठीक है। कैप्स मोड पे क्लिक करने के बाद हम इसको थोड़ा जूम करते हैं और इसको पकड़ करके हम इस नोड पे अंदर की ओर लेकर चले आते हैं। दोनों ऑप्शंस को अंदर लेकर के चले आना है। इसके बाद हम नीचे की ओर आ जाते हैं और इस ऑप्शन पे भी इस तरीके से ड्रैग करेंगे, सेट टूल लेकर के, ये जो टूल है इसको लेकर क्लिक करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक कर देना है कैप्स नोड पे। इससे क्या होता है कि जैसे आप चाहेंगे मोड़ना, आप इसको उस प्रकार से देखिए मोड़ सकते हैं। इसको देखिए, आप आराम से इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। इन दोनों को आसानी से बीचे भी जो है आप लेकर के आ सकते हैं। देखिए, हमने इस प्रकार से बीचे भी लेकर के चला आया, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल बीचे बीच लेकर जाना चाहते हैं, बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ करके इसके सेंटर पॉइंट में बिल्कुल रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं, जूम कर लेते हैं, ये देखिए, इस तरीके से। तो हमने इसको यहाँ से रख दिया। चलिए, इस प्रकार से बीच बीच पॉइंट देकर के आपको रख देना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा बहुत कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो हल्का फुल्का आप इसको कम या ज्यादा भी इस तरीके से कर सकते हैं, पर हम इसको कंट्रोल जेड से ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इसमें एक कलर फिल कर देते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से जी बटन को प्रेस करके रखिएगा तो एक इस तरीके से टूल आ जाएगा। जी बटन प्रेस करने के बाद टूल आ जाएगा। इसके बाद एक बार क्लिक करना है इस शेप पे, इसको ड्रैग करेंगे जैसे ही माउस का, तो इस प्रकार से कुछ कलर आ जाएगी। जौन सा कलर आपको लेना है एक बार यहाँ क्लिक करके आप यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी एक कलर लेना है, हम इस तरीके से ले सकते हैं। जितना आपको इस तरीके से फिलिंग करना है तो आप इस तरीके से फिल दे सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आप लेना चाहें तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं, या यहाँ से भी अगर और आप चाहते हैं इस प्रकार से कोई अलग कलर लेना तो आप इस प्रकार से कलर को ले सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ग्रीन टाइप पे ही रखते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो इसका आउटलाइन है, कंट्रोल जेड से पहले के जैसा आ सकते हैं। इसके बाद अगर इसका जो आउटलाइन है हटाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाकर के माउस का राइट बटन प्रेस कर देना है, इसकी आउटलाइन गायब हो जाएगी। अब एक बार फिर से इस बार इससे ये जो सिलेक्टर टूल है, पिक टूल है, पिक टूल को एक बार इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ मिल जाएगा रोटेशन टूल। तो इस प्रकार से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाकर डायरेक्ट 45 लिख दीजिए। तो दो तरीका है, या तो आप इसको कर लीजिए या तो आप अपने इच्छा के अनुसार जो है इसको इतना जितना आप रखना चाहें उस प्रकार से इसको ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद वापस क्लिक करके बाहर क्लिक करके फिर से एक बार क्लिक करना है और यहाँ आना है और कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन दबा के रखिएगा, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए पट्टी ड्रैग कर लेना है। दाहिने तरफ ड्रैग करके माउस का लेफ्ट बटन, माउस का राइट बटन प्रेस करके छोड़ देना है। अब इस तरीको का आ गया। अब इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है हम इसको कर लेते हैं ग्रुप। जैसे हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे ये हमारा ग्रुप हो जाएगा, हम दोनों को एक साथ लेकर जा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत छोटा करना तो आप शिफ्ट बटन को दबा करके इस प्रकार से जो है आप इसको थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। अब हमको करना क्या है कि हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसी सर्कल पर घुमाना है, तो हम कंट्रोल बटन प्रेस करके कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी कंट्रोल अगर बाएं तरफ का काम ना करे तो दाहिने तरफ का कंट्रोल दबा करके देखिएगा काम करेगा। मेरे पास आउटलाइन का प्रॉब्लम है, हम आउटलाइन राइट बटन प्रेस करके ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ से तोड़ देते हैं और सेफ फील की मदद से इसको पर यहाँ जाते हैं बाहर की ओर, बाहर की ओर इस तरीके से हम बाहर की ओर ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने बाहर की ओर लिया। अब इसका जो है सेंटर पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट नोड होता है, हम यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, इधर से भी हम ले लेते हैं, सेंटर कहाँ पर आ रहा, यहाँ पर आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा हम शेप फिल की मदद से इसको थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ऊपर देखा करेंगे तो ये अंदर का जो आउटलाइन है वो आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है कि हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं,
शेप टूल पे जाना है, इस पिक्चर पे क्लिक करना जो आपने बनाया, इसको इधर लाएंगे और लाने के बाद क्या करना है कि हमको इधर नोट पे रखना है। तो थोड़ा सा नीचे भी चलते हैं, यहाँ हम आ जाते हैं, कंट्रोल जेड कर लेना, याद रखना है इसको सेलेक्ट करना, जैसे जैसे बता रहे हैं स्टेप उसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पर हम आते हैं थोड़ा सा छोड़ करके, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ रोटेशन टूल की मदद से इस प्रकार से प्रॉपरली पूरे पूरे रोटेट कर देते हैं। याद रखना है इस पर क्लिक करना है और इसको बराबर से, बिल्कुल बराबर से हमको एडजस्ट करना है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इस प्रकार से, और थोड़ा सा अगर और छोटा करना चाहते हैं पत्ती को तो शिफ्ट बटन को मदद से इसको बाद छोटा थोड़ा करना है, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करके, लीफ पे क्लिक करके थोड़ा बराबर से इधर एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा और रोटेट करना है तो थोड़ा सा हल्का सा हमको और रोटेट कर लेते हैं। इसके बाद बराबर से बिल्कुल इस प्रकार से रख देना, देखिए इस प्रकार से बिल्कुल बराबर से रख देना, देखिए इस तरीके से आ गया। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा नोट, जैसे ही आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोट मिल जाएगा। तो इस नोट को क्या करना है कि आपको यहाँ पर इस नोट को बीचे बीच लेकर के चलाना है, ठीक है। यहाँ पर लेकर के आ गए हम, हमने इसको एडजस्ट भी कर लिया। अब इस नोट को करना क्या है कि इस नोट को यहाँ से उठाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहीं पर आपको मेन खेला यहीं पर से शुरू होता है। अब इस नोड को यहाँ पर लाने के बाद इस नोड को यहाँ जाकर के इसके सेंटर पॉइंट पे रखना है, जहाँ पे सेंटर दिख रहा है एग्जैक्ट सेंटर पे रख देना है। थोड़ा सा जूम करके देखिएगा तो ये आपको यहाँ से हटा हुआ नहीं नजर आएगा, तो समझ लीजिए सेंटर है। अगर थोड़ा बहुत हट जाएगा तो ये आपको सेंटर नहीं है। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, सो देखिए तीन चार ही पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जाएंगे और कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए माउस का लेफ्ट बटन दबा करके थोड़ा सा आगे की ओर एक ले लेंगे। माउस का लेफ्ट बटन दबा के हमने आगे लिया, इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं है, राइट बटन एक बार पहले दबाना है उसके बाद छोड़ना है, ठीक है। तो हमने ये दबा दिया इस तरीके से। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर कंट्रोल आर शॉर्टकट की इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे, देखिए कंट्रोल आर शॉर्टकट की प्रेस करते जाएंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा जो है कि हमारे पास यहाँ पे एक लीफ स्ट्रक्चर जो है आपका बन करके रेडी हो गया। कंट्रोल आर हमने किया, ए लीफ स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक आगे की ओर भी थोड़ा सा रहता तो अच्छा लगता, तो यहाँ पर पहलका को जो है इसका एक और हम ले लेते हैं कॉपी कंट्रोल आर से, और इसको जो है उठा करके इधर लेके चले आते हैं और इसको हम कर लेते हैं अनग्रुप। तो इसको ये हमारा सेलेक्ट है, यहाँ पर देखिए इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस यू, हमने क्लिक किया तो ये हमारा अनग्रुप हो गया। और एक लीफ और ले आते हैं इस प्रकार से हम, और लीफ को लाने के बाद थोड़ा सा हम इस प्रकार से रोटेशन कर दिए। इसके बाद फिर से हमने एडजस्ट किया, थोड़ा सा जूम करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से हमने लाया, ठीक है, इसमें सटा दिया। इसके जो सेंटर पॉइंट है इसको यहाँ पर ले आएंगे, इसके बाद थोड़ा सा और हम इस तरीके से रोटेट कर देंगे। ये देखिए तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। अब इन टोटली को इस प्रकार से हमें क्या करना है, टोटली को इस प्रकार से हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और इसके बाद फिर यहाँ से कर लेते हैं ग्रुप, ठीक है, हमने ग्रुप कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आना है, अगर नोड आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो नोड पर सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दें, ये आपका नोड डिलीट हो जाएगा। इसके बाद इसको हम पूरे को सिलेक्शन करने के बाद, ग्रुप हमने कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ आना है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे और माउस का राइट बटन प्रेस करें, जिसे राइट करेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से आ चुका है। अब थोड़ी सी क्या करना है इसको कि हमको इस तरीके से रोटेशन पॉइंट देना है, तो इस प्रकार से हम इसको रोटेट करा लेते हैं, ये देखिए। और इस तरीके का भी इसको जो है हम एक बार और क्लिक करके इस प्रकार से थोड़ा सा रोटेट करा लेते हैं, देखिए इस तरीके से हमने रोटेट करा लिया। थोड़ा सा और हल्का सा इसको हम रोटेट करा लेते हैं, तो देखिए इस तरीकों का हमारे यहाँ पे बन के आ चुका है। अगर थोड़ा बहुत और सटाना चाहते हैं तो इसको दोनों को आपस में लिफ को इस तरीकों से सटा सकते हैं, या तो आगे पीछे ऊपर नीचे करके भी इसको इस तरीकों से दिखला सकते हैं। देखिए तो सटाना है तो सटा लीजिए, और ऊपर नीचे करके अगर दिखाना है तो इस तरीकों से दिखाइए, थोड़ा सा और बेहतरीन लगेगा।
हमने इस तरीकों से आपको कोरल डा में एक लीफ डिजाइन करके दिखाया है, ये जो बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो थोड़ी सी पॉइंट में सिर्फ दिक्कत क्या होती है कि आपको बनाते समय ये ध्यान रखना है इसके नोट्स को, अगर आपको ये दिक्कत लगे और लगे कि नहीं फिर से सर बताना चाहिए, फिर से एक बार बता दीजिए अलग अलग टूल लेकर के, तो आप हमें बताइएगा। लीफ डिजाइन करना बिल्कुल ईजी तरीकों से हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, फिर से हम कुछ पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। और जब भी हमारी वीडियो जाएगी बिल्कुल साधारण बिल्कुल आसान बना करके ही आएगी। तो जो जो हमने फॉलो किया, जो जो हमने ऑप्शंस बताया, उसको हर एक ऑप्शन को अच्छी तरीकों से ध्यान रखना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बस।